जीनत, आज मैं बनाऊंगी जैन पिज्जा जिसमें हम बटर, चीज और मैदे का यूज नहीं करेंगे। मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि हम चीज, मैदा और बटर नहीं खाते हैं, तो आज के पिज्जा में ये सब यूज नहीं करेंगे। फिर भी ये पिज्जा बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है और साथ में हेल्दी भी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिए, उससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। सबसे पहले पिज्जा बेस बनाने के लिए डो तैयार करेंगे। उसके लिए एक कप गेहूं का आटा लिया है जिसे मैंने अच्छे से छान लिया है। अब बीच में थोड़ा सा इस तरह गैप कर लेंगे और इसमें आधी टीस्पून नमक, आधी टीस्पून पिसी हुई शक्कर, आधी टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 2 टेबलस्पून दही और 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के सब अच्छे से मिक्स करना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा तैयार करना है। अब थोड़ा और पानी डाल देंगे, एक साथ में पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और इतना आटा बांधने में 1/3 कप पानी का यूज किया है। अब आटा बांध के तैयार है। इस तरह मीडियम आटा रखना है, पराठे के आटे जैसा। अब इसे ढक के आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए साइड में रख देंगे, तब तक हम टॉपिंग तैयार करेंगे। टॉपिंग बनाने के लिए कढ़ाई में 1 टेबलस्पून घर का मक्खन डाल के मेल्ट कर लेंगे। अब इसमें 1/2 कप कटा हुआ कैप्सिकम, 1/2 कप बॉइल्ड स्वीट कॉर्न, 1/2 कप कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। टमाटर के बीज निकाल दिए हैं और इस तरह टमाटर हल्के बड़े कट करेंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून ओरिगानो, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल के मिक्स करेंगे। इन सब्जियों को हल्की फ्राई करनी है, इससे कैप्सिकम और टमाटर का कच्चापन निकल जाएगा। ज़्यादा पकाएंगे तो टमाटर पानी छोड़ने लगेगा। अब टॉपिंग तैयार है, गैस बंद करके तुरंत एक बाउल में निकाल देंगे। अब हम व्हाइट सॉस बनाएंगे। उसके लिए कढ़ाई में 1 टेबलस्पून घर का बनाया हुआ मक्खन डाल के मेल्ट करना है। अब इसमें 1 टेबलस्पून काजू का पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून गेहूं का आटा डाल के सेक लेंगे। इससे आटे में से कच्चापन निकल जाएगा और इससे काजू का पाउडर का एक अच्छा रिच फ्लेवर भी आएगा। अब गेहूं का आटा और काजू का पाउडर सेक लिया है। अब इसमें 1/2 कप दूध डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और चम्मच को कंटिन्यूस चलाते रहना है और एक भी लम्स ना पड़े उसका ध्यान रखना है। देखिए थोड़ा थिक भी हो गया है। अब 1/4 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून ओरिगानो, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल के मिक्स करके गैस बंद कर देंगे। अगर ज़्यादा थिक हो जाता है तो आप थोड़ा दूध मिला सकते हैं। अब इसे एक बाउल में निकाल देंगे। ये सॉस चीज़ को रिप्लेस करेगा और ये सॉस से पिज़्ज़ा का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। आधे घंटे के बाद आटा सेट हो चुका है, देखिए कितना अच्छे से स्मूथ हो गया है। अब इसमें से थोड़ा आटा तोड़कर लोई बनाएंगे। इतने आटे में से 4 पिज़्ज़ा बेस बनेंगे। अब इस लोई को हम बेल देंगे। बेलने के लिए थोड़ा सूखा आटा डाल देंगे और लोई को भी हम सूखा आटा में रोल करके बेलेंगे। इस तरह पराठे की साइज में गोल बेल देंगे और इस तरह थोड़ा थिक रखेंगे, अप्रोक्स 3 से 4 mm। अब फॉक से थोड़े थोड़े डिस्टेंस में छेद करेंगे ताकि पकाने वक्त पिज्जा बेस फूले नहीं। अब पकाने के लिए एक नॉनस्टिक तवा गरम करने रख दिया था, अब तवे पे पिज्जा बेस डाल देंगे और स्लो फ्लेम पे 1 मिनट तक पकने देंगे।
अब एक मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड स्लो फ्लेम पे इसे अच्छे से पका लेंगे। अब वापस साइड चेंज कर देंगे और इस साइड हमने अच्छे से पकाया है वहाँ टॉपिंग करेंगे। अब हमारा पिज़्ज़ा बेस बनके तैयार है। इस तरह बाकी का पिज़्ज़ा बेस बना के तैयार करेंगे। अब पिज़्ज़ा बेस पे टॉपिंग करेंगे। सबसे पहले हम एक टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस डाल देंगे और अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। पिज़्ज़ा में पिज़्ज़ा सॉस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, उससे ही पिज़्ज़ा का एक परफेक्ट टेस्ट आता है। जैन पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मैंने चैनल पे पहले अपलोड करी है और इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब इसमें 2 टेबलस्पून व्हाइट सॉस डाल के स्प्रेड कर देंगे। ये व्हाइट सॉस से एक चीजी फ्लेवर मिलता है। अब हमने जो टॉपिंग तैयार किया था इसे डाल देंगे। अब ऊपर से थोड़ा ओरिगानो और चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे। अब इसे पकाने के लिए तवे पे रख देंगे। अब पकाने के लिए तवे पे 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे। अब टॉपिंग किया हुआ पिज़्ज़ा को रख के स्लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक ढक के पकने देंगे। जस्ट 2 मिनट हो चुके हैं तो अब ढक्कन खोल देंगे। आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे से पिज़्ज़ा पक गया है। अब गैस बंद करके एक प्लेट में निकाल देंगे। अब इसे 4 पीसेस में काट लेंगे। आप देख सकते हो कि बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा बनके तैयार है। अगर आप सोच रहे हो कि बिना चीज़ के ये पिज़्ज़ा बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें जो रिच व्हाइट सॉस डालते हैं उससे ही ये पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।